ये जो खूबसूरत जगह देख रहे हैं आप, ये चंपारण में ही मौजूद है। बता दूं कि अभी हम चंपारण में स्थित सरयामन, जिसको उदयपुर जंगल के नाम से जाना जाता है, पर्यटन स्थल पर मौजूद है। और आज हम आपको उन सभी पर्यटन स्थलों के बारे में या फिर उन सभी डेस्टिनेशंस के बारे में बताएंगे जहां शादी के बाद जो नवविवाहित जोड़े होते हैं वो समय गुजार सकते हैं दुनिया की भीड़भाड़ से दूर, एक शांत माहौल में जो कि पूरी तरह से प्रकृति से भरपूर हो, अपने नए जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस जंगल में किसी भी खतरनाक जानवरों का आतंक नहीं है। कुछ गिने चुने जानवर हैं जिसपे आपको हिरन यहाँ देखने को मिल जाएगी, साथ ही बंदर यहाँ खूब पाए जाते हैं। इसके अलावे यहाँ आपको जंगली सुअर वगैरह भी मिल जाते हैं और सांपों की कई प्रजातियां हैं। लेकिन बकायदा यहाँ पे एक टीम भी मौजूद है जो कि वन विभाग की टीम है। दाहिने तरफ मेरे आप इको हाउस देख सकते हैं, वो इको हट है। और यहाँ से जो कपल है या फिर जो भी पर्यटक है वो सनराइज का और सनसेट का बेहद ही दिलकश नज़ारे का लुत्फ़ उठा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कुछ युवा वहाँ आए हैं, वो पर्यटक ही हैं। इस खूबसूरत जंगल का लुत्फ़ उठाने वो यहाँ आए हैं। जंगल के बारे में थोड़ा मैं आपको बता दूं, तकरीबन 1,000 एकड़ में ये जंगल फैला हुआ है। इस छोर से सीधे अगर देखेंगे आप, और जब इस छोर पर आएंगे, दाहिने साइड की छोर पे आप आएंगे, तो कहीं से भी आपको ना ही झील का अंत दिखेगा ना ही जंगल का अंत दिखेगा, क्योंकि काफी डेंस फॉरेस्ट है ये। और जहां तक बात झील की है तो यहाँ के स्थानीय लोगों का ऐसा कहना है कि ये भूकंप के दौरान प्राकृतिक तरीके से बनी हुई झील है। किसी समय में भूकंप आता है और भूकंप के दौरान ही इस जंगल का निर्माण होता है, साथ ही झील का निर्माण होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सामने बंदर जा रहे हैं, बंदरों से ये जंगल भरा पड़ा है। यहाँ के गाइड हैं, हम कोशिश करेंगे कि उनसे विशेष जानकारी हम लें। यही वो इको हाउस है जहाँ कपल्स जो है, नवविवाहित जोड़े जो है, आ सकते हैं, रेंट पे इसको ले सकते हैं और इस जंगल में रात गुजार सकते हैं आधुनिक सुख सुविधाओं के साथ। हमारे बीच गाइड यहाँ के मौजूद हैं। आपका नाम क्या हुआ सर? वसुदेव माँ जी, वासुदेव जी, कितने सालों से आप यहाँ हैं? 19 बरस है। खासियत अच्छा, इस जगह की कुछ खासियत हमें यहाँ बताइए, ये पर्यटन स्थल भी है तो। यही है जैसे, और यहाँ बहुत सुंदरता, यहाँ पर नदी है, ये झील है, सरैया मोन है, इसका पानी पहले बिकता था सर, यही है। इसका आप कितनों भी खाना खाइए, एक गिलास पानी पी लीजिए सर, तो उसके आधा घंटा 1 घंटा के बाद फिर भोजन खोजेगा। पर्यटन स्थल भी है, लोग यहाँ घूमने आते हैं, दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। ये इको हाउस जो है, इको हट कहते हैं इसको, हाँ, तो ये रेंट पे भी तो पर्यटकों को दिया जाता होगा ना। हाँ, दिया जाता है। यही वो कोठरी है जो सिर्फ इस पर्पस से बनाई गई है कि सर्दियों में जो प्रवासी पक्षियां आते हैं साइबेरिया और कैलिफोर्निया से, आप उस कोठरी में जाएं और वहां से एक खिड़की बनाई गई है, वहां से आप उनको पिक्चराइज कर सकते हैं, क्योंकि आप नजदीक जाएंगे और वो भाग जाएंगे। इसलिए चुपचाप अगर आप उनका फोटो लेना चाहते हैं तो कोठरी में आइए और वहां से उनकी फोटोज आप क्लिक कर सकते हैं। अभी चूंकि सर्दियों का समय है, जनवरी महीना है, प्रवासी पक्षी आए ही या नहीं आए हैं? आई है साहब, थोड़ा मोड़ा, ज्यादा नहीं आई है, क्योंकि सर्दी ज्यादा पड़ती है तभी वो आती है, हर एक साल तो आती है ना। हर एक साल आती है ठंडी के मौसम सुबह और शाम में वो झील में दिखती होंगी में, सुबह सुबह में। सुबह में। अच्छा, ये आम चिड़िया की तरह वो भी पेड़ों पे ही रहती है या फिर कोई विशेष, क्योंकि आप लोग यहाँ के गार्ड हैं, 19-20 सालों से रह रहे हैं और शुरू से ये पक्षियाँ यहाँ आती हैं, कुछ खास जगह है या वो लोग भी पेड़ पे ही रहते हैं? हाँ सर, पेड़ पर नहीं रहती है चिड़िया, झीले में रहती है, वो नर खोर है ना, सामने जो झंखाड़ वगैरह दिख रहा है वो, वही झंखाड़ वाला में रहती है, नर बोलता है, हम लोग भोजपुरी में नर बोलते हैं, नदी में है किनारे किनारे, उसी में रात में ठहरते हैं, सुबह में आप लोग देखते हैं। सुबह में दिखाई देगा। तो ये सारी बातें हैं। और देखिए, यहाँ सबसे बड़ी बात ये है कि अमूमन जंगलों में कोई जाना नहीं चाहता है, लेकिन ये एक ऐसा जंगल है जो कि सबसे पहले पर्यटन स्थल है। जंगल होने के बावजूद भी ये पर्यटन स्थल है, और ऐसा पर्यटन स्थल जहाँ आप बिना किसी खतरे के आ सकते हैं इस
डेंस फॉरेस्ट में आधुनिक सुख सुविधाओं के साथ इको हट में रह सकते हैं। झील के किनारे बसे इको हट से आप सुबह में सनराइज और शाम के समय सूर्यास्त का यानी सनसेट का दिलकश नजारा देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे घने जंगल में ही आप एक से बढ़कर एक जो यहाँ कैंटीन की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी व्यंजनों का आप लुफ्त उठा सकते हैं।